हेलो दोस्तों, अमन कंप्यूटर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोगो डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ इस प्रकार से एक लोगो डिज़ाइन किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह जो लोगो है एक ट्यूशन का है, या फिर आप चाहें तो स्कूल के लिए भी इस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर जो आप सीखना चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से कटिंग का लोगो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा यह लोगो बनाकर दिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ये लोगो बनाना सिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन कीजिएगा। तो चलिए मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस तरीके से मैं ओपन कर लेता हूँ। जब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा तो इस तरीके से आपको एक पेज ले लेना है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि लोगो बनाने के लिए आपको कोई पेज का कंडीशन नहीं रखना, जो भी पेज आप रखना चाहते हैं उसे आप रख सकते हैं। इतना काम करने के बाद चलिए किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देख सकते हैं कि मैं इंसर्ट टैब पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसे बोलते हैं इंसर्ट टैब, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा इसमें शेप्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। शेप्स का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक शेप्स यहाँ से लेना है, जिसे बोलते हैं, देख सकते हैं कि मैं सर्कल वाला यहाँ से शेप्स में यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीका शिफ्ट को प्रेस करते हुए अपने शेप्स को ड्रैग कर लेना है। इतना काम आपको सबसे पहले कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इतना करने का बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीका से इसे नीचे से इस तरीका से इसको ऊपर की ओर करना है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा करना है। और इसका जब एक फॉर्मेट खुल जाएगा, शेप्स फॉर्मेट, इसमें आपको क्या करना है, शेप्स आउटलाइन इसको हटा देना है, इस तरीका से नो आउटलाइन में कर देना है। और शेप्स फिल में आपको यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो सिंगल कलर भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मल्टीपल आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर यहाँ पर ग्रेडियंट फिल पर क्लिक कर आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रेंज मिलेंगे आपको। यहाँ से रिमूव करने के लिए रेंज मिलेंगे आपको, यहाँ से प्लस यानी कि इस बॉक्स को बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि इसमें मैं तीन कलर फिल करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरा चार बॉक्स है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और इस बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसमें मैं कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं, मैं तीन कलर इसमें फिल कर देता हूँ। इस पर मैं क्लिक किया, यहाँ से मैं कलर इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं ये वाला कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको ठीक लगता है उस कलर का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक बॉक्स मेरा फालतू है, जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आप चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इसी शेप्स को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा, तो ये आपका शेप डुप्लीकेट हो जाएगा। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, वही ऑप्शन का शेप्स फिल पर आपको क्लिक करना है। और इसमें आपको सिर्फ व्हाइट कलर को यहाँ पर फिल कर देना है। व्हाइट कलर को फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कटिंग का निशान आ चुका है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से चारों तरफ से अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट आपको करना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आपका शेप्स या कटिंग का निशान में बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक डिज़ाइन का रूप इसमें देना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, एक डिज़ाइन का शेप्स में इसमें क्रिएट कर दिया हूँ। और भी आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, इतना काम आपको कर लेना है। इतना काम आपको करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपने इसमें क्या किया, दो बॉक्स लिए, एक बॉक्स में क्या है रेड कलर मेरा फिले और दूसरा मेरा व्हाइट कलर फिले। तो इसको हमको क्या करना, ग्रुप कर लेना। तो ग्रुप करने के लिए आपको एक पहला वाला बॉक्स पर तो मेरा क्लिक है, सर्कल पर तो मेरा क्लिक है। उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करते हुए अगला जो रेड वाला बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोनों बॉक्स देख सकते हैं कि आपका सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको माउस से राइट क्लिक करना है और देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ग्रुप, इस पर आप क्लिक कर आप यहाँ से ग्रुप कर लीजिएगा। तो यह क्या हुआ, शेप्स आपको एक ग्रुप में यहाँ पर बन चुका है। इतना काम करने के बाद आप चाहें तो इसे कहीं भी ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से वही काम करना है, इस शेप्स को डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस कीजिएगा, तो आपका शेप डुप्लीकेट हो जाएगा। इतना काम आपको करने के बाद आपको क्या करना है, शेप्स फॉर्मेट में ही रहना और यहाँ से देखिए इसे रोटेट कर देना कुछ इस तरीके से, जिस प्रकार से इसको रोटेट कर देना है, उल्टा साइड इसको रोटेट करना है। और इसे क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसमें एडजस्टमेंट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं
कुछ इस तरीक़े से मैंने क्या किया, इसमें अच्छे तरीक़े से एडजस्टमेंट आपको कर देना है, इतना काम आपको। आप चाहें तो अपने कीबोर्ड के जो राइट लेफ्ट बटन होता है उससे भी आगे पीछे कर कर इसे अच्छे तरीक़े से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीक़े से मैंने क्या किया, इसमें एडजस्ट कर लिया हूँ। इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जो देख सकते हैं कि जो सिर्फ मैंने डुप्लीकेट किया उसमें तो रेड कलर फिल है, लेकिन मैं इसमें अलग कलर फिल करूँगा जो कि काफ़ी बेहतरीन देखने मिलेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, अनग्रुप कर लेता हूँ, यानी कि ग्रुप से हट चुका है और ये सिंगल सिंगल बन चुका है। तो मैं रेड वाले बॉक्स पर यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, सेव फॉर्मेट पर जाकर अब अपना हिसाब से मैं यहाँ पर कलर फिल कर लेता हूँ, वही कलर में फिल कर लेता हूँ। मल्टीपल कलर यहाँ से मैं इसमें इस बार मैं ब्लू कलर को मैं फिल कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर को और इस बार भी मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट कलर को मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है कलर उसे आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, कलर फिल कर लिया है, इतना काम आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको जो लोगो आपको फ्रंट पेज पर शुरू में दिखाया था उस तरीका का डिज़ाइन आप इस तरीका से बना सकते हैं। इतना काम करने के बाद और भी आप चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि इधर करना है, यानी कि अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है उसे आप कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो भी मेरा कोचिंग का या फिर स्कूल का जो भी आपका नाम रहेगा उसे आप यहाँ पर लिखिएगा। तो उसे लिखने के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कट करूँगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो कट करने के लिए मैं इंसर्ट पर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, सेव पर मैं क्लिक करता हूँ और एक रेक्टेंगल शेप को इस तरीके से यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और इसको क्या करना है, आपको वाइट कर देना है। वाइट जब आप कीजिएगा तो ये देखने में लगेगा कि यहाँ पर कटिंग किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप जोड़कर बढ़ाकर यानी कि अच्छे तरीके से एक डिज़ाइन आप इस तरीके से बना सकते हैं। इतना काम करने के बाद और भी चाहें तो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और भी आपको लगता है कि आगे पीछे करना है तो उसे आप कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब चलिए मैं अपना कोचिंग का नाम लिखता हूँ। तो कोचिंग का नाम लिखने के लिए मैं इंसर्ट टैब पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्रेव टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगता है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा कोचिंग का नाम है DCIT। तो इस तरीके से मैं DCIT कैपिटल में मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इतना टाइप करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ, होम टैब पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका फॉर्मेट को आप यहां से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, घटा सकते हैं इस तरीके से। चाहें तो आप इस फॉर्मेट का डिज़ाइन भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें चलिए मैं कूपर ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूं और भी चाहें तो इसमें और भी काम होता है उसे आप कर सकते हैं। चलिए इतना काम आपको कर लेना है, इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्टमेंट। कुछ इस तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं और ही छोटा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर लगे। तो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। चलिए थोड़ा सा मैं और भी छोटा कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता। जो भी आपको लगता है इतना बड़ा साइज करना है छोटा साइज करना है उसे आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद चलिए मैं कलर फिल कर लेता हूँ। तो कलर फिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार तो मैं पहले डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डी में मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं ब्लू कलर को मैं फिल कर लेता हूँ और एक बार मैं क्या करता हूँ, DCIT को इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से मैं कलर फिल इसमें रेड कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें जो भी लगता है कलर फिल करा सकते हैं। चलिए एक बार मैं पूरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन पर क्लिक कर और यहाँ पर देख सकते हैं सेज फॉर्मेट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट वाले बॉक्स में जाकर इसका आउटलाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आउटलाइन को रिमूव करने के बाद आप चाहें तो इसका शैडो को भी इस तरीके से रिमूव करा सकते हैं। जो भी आपको लगता है यहाँ से आप इसका कंडीशन को बदल सकते हैं। इतना काम करने के बाद आप यहां से इसका 3D पिक्चर को भी इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए मैं यहां से एक 3D इसका रूप दे देता हूं जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको देखने में भी लगेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके से आप कलर फिल इसमें करा सकते हैं। जो भी आपको लगता है 3D का स्टाइल इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। इतना काम करने के बाद अब चलिए मैं दोबारा से यहां तो मैंने फ्रंट पेज में लिख दिया जैसे कि DCIT लिखा, लेकिन मेरा कोचिंग का जो नाम है DCIT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसे लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर जगह बचे हुआ है तो इस तरीके से मैं नीचे में लिख देता हूँ। लिखने के लिए मैं दोबारा से इंसर्ट टैब पर मैं क्लिक करता हूँ और ब्रेव टेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे वर्ड आर्ट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई भी एक फॉर्मेट का स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, DCIT तो मेरा लिखा हुआ है तो इस तरीके से मैं सिर्फ लिख देता हूँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। तो कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं।
और इसे भी मैं क्या करता हूँ, होम टैब पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका भी मैं इसका यहाँ से एडजस्टमेंट अच्छे तरीक़े से मैं कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कलर फिल करा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है वह सारा काम आप यहाँ से करा सकते हैं। चलिए मैं इसका आउटलाइन भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है, और इसका जो ग्लो साइड है उसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसको क्या मैं करता हूँ इस तरीके से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप इस तरीके से भी अगर जो आप चाहते हैं कि मैं अपने स्कूल के लिए या फिर ट्यूशन के लिए अगर जो लोगो बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बनाना सीख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यह बहुत ही आसान मेथड मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं। अब चलिए मैं इसे सेव हम कैसे करेंगे उसे भी मैं बता देता हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा पेज में तो ज़्यादा बड़ा लोगो सेव होगा, तो इसका यूज़ भी हम नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्च बार पर आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको स्नैप टूल का यूज करना था। इस तरीके से मैं स्नैप टूल यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और इससे मैं क्या करता हूँ न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, इससे मैं क्या करता हूँ स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। छोटा सा मैं एक यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ, इस तरीके से मैं इसे छोड़ देता हूँ। देख सकते हैं कि आपका शेप्स का जो फॉर्मेट है इतना बड़ा यानी कि इतना छोटा सा मैं कंडीशन में एडजस्टमेंट हो गया है। इससे आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ। चलिए मैं सेव एज डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ, ताकि आप देख आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर आप फाइल का नाम दे दीजिएगा जो भी आप देना चाहते हैं। सेव एज टाइप में देखें JPG फाइल, इसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप चाहें तो, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आपका लोगो यहाँ पर सेव हुआ है। देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर लोगो मेरा सेव हो चुका है पिक्चर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका लोगो बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने स्कूल के लिए या फिर ट्यूशन के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने एक आसान सा तरीका आपको बता दिया है, आप चाहें तो ऐसा लोगो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।